यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो आप खबरों में बढ़ेंगे आगे। हिंदू महासभा ने दिए गए बयान पर कि वैलेंटाइंस डे पर हिंदू लड़के मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़कियों से शादी करें तो हम उन्हें 51,000 रुपए का नगद इनाम देंगे। उनके इस बयान पर देवबंदी उलेमा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भारत में चुनाव से पहले दंगों का जिक्र किया हुआ है, लेकिन ऐसी संस्थाएं देश में दंगे कराना चाहती हैं। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी संस्था पर बैन लगाए और उन पर कानूनी कार्रवाई करे। महासभा की तरफ से जो बयान जारी किया गया है कि वैलेंटाइन डे के मौके पर हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन लड़कियों से शादी करें और हिंदू महासभा ऐसे लोगों को 51,000 रुपए का इनाम भी देगी, तो मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये फिरका परस्त तंजीमें हैं जो हमेशा मुल्क का अमन अमान बर्बाद करती चली आ रही हैं और बर्बाद करना चाहती हैं। हाल फिलहाल ही में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने हिंदुस्तान का सर्वे कराया और सर्वे का नतीजा यही निकला है कि कुछ फिरका परस्त तंजीमें जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे और चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं मुल्क का अमन अमान बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, मुल्क के अंदर दंगा फसाद कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हिंदू महासभा की तरफ से जो बयान आया है इंतहाई शर्मनाक बयान है। अगर यही बयान किसी मुसलमान की तरफ से या किसी मुसलमान तंजीम की तरफ से जारी होता, उनसे कोई ये सवाल करता कि आप अपनी बेटी का निकाह जो है किसी मुसलमान के साथ में कर दे तो उनके दिल पर क्या ठेस पहुँचती।